शादी एक ऐसी खुशी का मौका है जो सारे रिश्तों को एक करता है, पर अलायन और वैलरी नाम के दो लोगों के लिए ये मौका परेशानी भरा साबित हुआ, क्योंकि एक दूसरे से नफरत करने के बावजूद उन्हें एक दूसरे के साथ ग्रीस जाना पड़ रहा था। और इस बीच वो एक ऐसे वॉल्केनो के पास फंस गए जिसका नाम लेना ही किसी टंग ट्विस्टर से कम नहीं। वैलरी नाम की एक फ्रेंच औरत अपनी बेटी ससील की शादी के लिए ग्रीस जा रही थी। वो शादी को लेकर एक्साइटेड थी और उसे अपने मैसेजेस की फिल्म शूट करके तोहफा देना चाहती थी। पास बैठी एक औरत को उसकी ये बातें बहुत प्यारी लगी, पर अचानक वैलरी शादी जैसी चीज को गालियां देने लगी और उसकी बातें सुनकर वो औरत उसे पागल समझने लगी। वैलरी की तरह उसका एक्स हस्बैंड अलायन भी शादी से नफरत करता है, पर शादी से ज्यादा उसका ध्यान एक ऐसे गेम में था जिसमें वो पायलट बन सकता है और प्लेन उड़ाना सीख सकता है। अलायन और वैलरी दोनों ही अनजान लोगों को अपनी जिंदगी के बारे में बताने लगे और हर किसी को उनके दिल में एक दूसरे के लिए नफरत साफ साफ नजर आने लगी। जब वो एक दूसरे के सामने भी आए तो एक दूसरे को बुरा भला कहने लगे और वैलरी अलायन की दूसरी पत्नी सिल्वी का मजाक उड़ाने लगी, पर उसी वक्त अलायन ने अपना बदला ले लिया। अचानक पायलट ने बताया कि आइसलैंड में एक ज्वालामुखी फटने से उन्हें अपना रास्ता बदलना पड़ रहा है और उन्हें जर्मनी के म्यूनिक शहर में लैंड करना पड़ा। कई घंटों तक वो सारे लोग एयरपोर्ट पर फंसे रहे क्योंकि सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी थी और वैलरी ससील से कहने लगी कि ये शायद एक इशारा है और उसे अपनी शादी का प्लान बदल देना चाहिए। अलायन किसी भी तरह सही वक्त पर ग्रीस पहुंचना चाहता था, इसलिए अपने चाचा रॉजर के साथ वो रोने की एक्टिंग करने लगा। उनके नाटक से परेशान होकर उन्हें एक गाड़ी दे दी गई, पर गाड़ी के बदले अलायन को 4000 यूरोस देने पड़े। इस परेशानी के बीच भी उसने वैलरी को परेशान करना बंद नहीं किया, पर वैलरी को पता चल गया कि अलायन उसे परेशान करने के लिए उसके कपड़े लेकर वहाँ से भाग गया है। इतना ही नहीं, अलायन ने ससील से कह दिया कि वैलरी वापस पेरिस जा रही है और उसे ससील या उसकी शादी की कोई फिक्र ही नहीं। पर सही वक्त पर ससील को सच बता के वैलरी ने अलायन के खिलाफ जंग छेड़ दी और ठान लिया कि अब उसके साथ हिंदी वाला सफर करके उसे इंग्लिश वाला सफर करवाएगी। सालों से उन दोनों की इस लड़ाई में रॉजर फंसा हुआ था, पर अब वो इस जंग से दूर रहना चाहता था, इसलिए वहाँ से भाग निकला और अकेला ग्रीस के लिए रवाना हो गया। अब अलायन को अपनी दुश्मन और ससील के दोस्तों के साथ 2000 किलोमीटर का सफर तय करना था और ये सफर किसी के लिए भी आसान साबित नहीं हुआ। ससील के दोस्तों ने गलती से उन दोनों की शादी के बारे में पूछ लिया और तब जंग शुरू हो गई। वो दोनों ही एक दूसरे की बुराई करने लगे और फिर उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से ससील के दोस्तों को लगा कि वो अपनी जान खो देंगे। उसी वक्त उन दोनों ने गाड़ी से दूर जाने का फैसला कर लिया और अब इस सफर पर अलायन को वैलरी के साथ अकेले रहना पड़ गया। कुछ देर बाद अलायन बाथरूम में अपनी बेटी के लिए गाना गाने लगा, पर वो ये नहीं जानता था कि वैलरी उसका गाना सुन रही है। पहले तो वैलरी ने उसका मजाक उड़ाया, पर फिर उसे माफी मांग ली। उसने कहा कि सिर्फ ग्रीस पहुंचने तक उन दोनों को अपनी नफरत को भूल जाना चाहिए और ये सुनकर अलायन बेफिक्र हो गया। मगर मौका देखकर वैलरी ने गाड़ी की चाबियां चुरा ली, पर गाड़ी चुराने की कोशिश में वो गाड़ी चला नहीं पाई क्योंकि उसे उस कोड की जरूरत थी जो सिर्फ अलायन जानता है। ना चाहते हुए भी वैलरी को हार माननी पड़ी और अलायन के साथ एक ऐसे घर में जाना पड़ गया जहाँ वो जाना नहीं चाहती थी। अब उस घर में वो दोनों बेड के लिए झगड़ने लगे। अपने पसंद की जगह पाने के लिए उन्होंने एक गेम खेला। खेल के मुताबिक जो कोई भी हंसेगा उसे थप्पड़ मारा जाएगा और जीतने वाले को उसकी पसंद की जगह मिल जाएगी। वैलरी खेल में हारने के बावजूद जीत गई क्योंकि उसे अलायन को मारने का मौका मिल गया। पूरी रात ये लड़ाई चलती रही और उन दोनों ने एक दूसरे को सोने तक नहीं दिया। सुबह होते ही वो लोग उस घर से निकल गए। कुछ देर बाद अलायन ने वैलरी को किसी आदमी से बात करते हुए देखा, जिसके बाद उसके बर्ताव से वैलरी को लगने लगा कि उसे जलन महसूस हो रही है। इस बात को बकवास कहकर अलायन कहने लगा कि वो किसी भी लड़की को पा सकता है, इसलिए जलने की कोई बात नहीं। तब वैलरी ने उसे ये बात साबित करने का मौका दिया और एक लड़की का नंबर लाने के लिए कहा। अलायन ने चालाकी से खुद का नंबर लिख दिया, पर वैलरी समझ गई कि उसने चीटिंग की है और ऐसा करने की वजह से अलायन को आगे का सफर गाड़ी की डिक्की में लेटकर तय करना पड़ा। किसी तरह वहाँ से बाहर निकल के अलायन गाड़ी के अंदर तो आया, पर फिर हालात और बिगड़ने लगे। गुस्से में अलायन ने वैलरी का फोन फेंक दिया और उसका सामान फेंक कर उसे भगाने की कोशिश करने लगा। इस लड़ाई में वो दोनों ये भूल गए कि उन्होंने गाड़ी का हैंड ब्रेक नहीं लगाया था और उनकी इस गलती की वजह से उन्होंने वो गाड़ी हमेशा के लिए खो दी।
हलायन ने अपना लाइसेंस भी खो दिया और वैलरी की वजह से अब उसे गाड़ी के मालिक को 25,000 यूरोस देने पड़ेंगे। हलायन को परेशान देखकर वैलरी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो उसे मनाने की कोशिश करने लगी। वो ऐसा करने में कामयाब हुई और कुछ देर बाद उन दोनों को ग्रीस की बस मिल गई। मगर बस में जाते ही वैलरी को पता चला कि अलायन खुद तो ग्रीस जा रहा है पर वैलरी की टिकट नेदरलैंड्स की है। वैलरी अपनी टिकट बदलवाने के लिए जैसे ही बस से नीचे उतरी, अलायन ने ड्राइवर को पैसे देकर वैलरी को पीछे छोड़ दिया। खुशी खुशी वो बस में आराम से सफर कर रहा था और वैलरी किसी तरह उस इलाके से बाहर आने की कोशिश कर रही थी। उसने अपने टूटे हुए फोन को एक बार के लिए ठीक तो कर दिया पर वो सिसिल से बात नहीं कर पाई। किसी चमत्कार की तरह उसके सामने एक गाड़ी आकर रुकी और इजीकियल नाम के एक आदमी ने उसे ग्रीस पहुंचाने का वादा किया, पर इजीकियल खुद को जीसस बताने लगा और वैलरी समझ गई कि ये सफर भी मुश्किल होने वाला है। दूसरी ओर अलायन की शांति खत्म हो गई जब उसकी बस में फुटबॉल फैंस आ गए और वो सारे ही लोग जोर जोर से गाने लगे। इजीकियल से बात करने पर वैलरी को पता चला कि वो 20 साल जेल की सजा काट चुका है और उसका कहना है कि उसके सपने में भगवान आए थे जिसके बाद वो सुधर गया, पर ये जानकर कि वो एक खूनी है वैलरी डर गई। वैलरी की तरह अलायन भी मुसीबत में पड़ गया और अपने आप को बचाने के लिए उसे बस से निकलकर वहां से भागना पड़ा, पर वो खुद भी इजीकियल की गाड़ी के आगे आ पहुंचा। उसे भी समझ आ गया कि इजीकियल अपने आप को जीसस समझता है और अपनी गाड़ी को उसने एक चर्च का रूप दिया है। उस वक्त वैलरी और अलायन एक दूसरे के सामने आ गए और अलायन को देखते ही वैलरी उसे पीटने लगी। उन दोनों की हाथापाई में गाड़ी का सारा सामान तबाह हो गया और जब इजीकियल को ये बात पता चली तो वो दोनों को शैतान का रूप समझने लगा। इजीकियल को शांत करने के लिए अलायन ने बताया कि वो दोनों पति पत्नी हैं और ना चाहते हुए भी ये साबित करने के लिए उन दोनों को एक दूसरे से प्यार का इजहार करना पड़ा। फिर भी इजीकियल शांत नहीं हुआ और वैलरी को बचाकर अलायन उसके साथ वहां से भाग निकलने में कामयाब हुआ। चोट लगने की वजह से अलायन की हालत बिगड़ने लगी और उसे लेकर वैलरी पास के एक होटल में गई। बचे कुछ पैसे देकर वैलरी ने एक रूम बुक किया और रूम में जाते ही अलायन का इलाज करने की कोशिश करने लगी। उस रात उन दोनों को एहसास हुआ कि वो अब भी एक दूसरे से प्यार करते हैं। पर अगली सुबह सिल्वी की तस्वीर देखते ही वैलरी को लगने लगा कि अब देर हो चुकी है। सिल्वी ने बताया कि फ्लाइट्स फिर से शुरू हो गई है और कुछ कपड़े चुरा कर वैलरी छिपते छिपाते वहाँ से भागने की कोशिश करने लगी। पैसे ना होने की वजह से उन दोनों को होटल से एक गाड़ी चुरानी पड़ी और वो लोग एयरपोर्ट की ओर आगे बढ़े। वैलरी का पासपोर्ट उसी बस में रह गया था जहाँ से उसे अलायन ने निकाला था, इसलिए अलायन को उसे पीछे छोड़कर खुद एयरपोर्ट में अकेले जाना पड़ा। अचानक एक पुलिस वाला वैलरी से गाड़ी के बारे में पूछने लगा और जिस वक्त वो वैलरी को गिरफ्तार कर रहा था उस वक्त अलायन की नज़र उस पर पड़ी। सही वक्त पर अलायन ने वैलरी को बचा लिया और पुलिस की गाड़ी चुराकर वो दोनों वहां से भाग निकले। पुलिस को चकमा देते हुए वो दोनों एयरपोर्ट के रनवे पे चले गए जहां से अलायन एक प्राइवेट प्लेन चुराने लगा। उसने जिंदगी में कभी एक प्लेन नहीं उड़ाया था पर वो एक गेम खेलता था जिसकी मदद से वो सारे कंट्रोल्स जानता है और उसी गेम की वजह से वो प्लेन चला पाया और पुलिस और दूसरे प्लेन से बचते बचाते किसी तरह प्लेन उड़ाकर वो वैलरी के साथ ग्रीस की ओर बढ़ा। अपने इस एडवेंचर के बारे में सिसिल को बताने के लिए वैलरी ने सब कुछ रिकॉर्ड किया और रिकॉर्ड करते ही वो सो गई। अलायन ने पहाड़ों को तो पार कर लिया पर अचानक फ्यूल की कमी होने की वजह से उसका प्लेन बंद पड़ गया। अलायन और वैलरी को लगा कि अब वो जिंदा नहीं बच पाएंगे, पर जैसे ही वो लोग जंगल के बीच पहुंचे प्लेन एक ऐसी जगह जाकर गिरा जहां से वो दोनों सही सलामत बाहर निकल गए। अब उन्हें जंगल पार करना था और इस नए एडवेंचर पर वो दोनों फिर से बहस करने लगे। अलायन बार बार ये साबित करने की कोशिश कर रहा था कि वैलरी एक अच्छी माँ नहीं है, पर उसे समझ आया कि वो खुद भी एक अच्छा पिता या पति नहीं बन पाया। घंटों तक पैदल चलकर वो दोनों थककर सो गए और तब जोशीना नाम की एक अनजान लड़की ने उन दोनों की मदद की। जोशीना ने बताया कि वो लोग ग्रीस के पास तो आ पहुंचे हैं पर वो दूसरे देश में हैं और जिस इलाके में उन्हें जाना है वहां वो कल ही जा पाएंगे। उस रात उस इलाके में एक जश्न मनाया जा रहा था जिसकी वजह से उन्हें उसी गांव में रुकना पड़ा। जोशीना ने बताया कि उस इलाके में लोग ईगल को अपना रक्षक मानते हैं, इसलिए ईगल के लिए ये त्योहार मनाया जाता है। ठीक उस वक्त एक बूढ़ा आदमी वैलरी से बात करने की कोशिश करने लगा। जब अलायन उसके पास आया तो बातों बातों में वो ये समझने की कोशिश करने लगी कि आखिर वो दोनों एक दूसरे से नफरत करते क्यों हैं।
अपने सारे गिले शिकवे भुलाकर वो दोनों उस त्योहार के जश्न में शामिल हुए और तब गलती से अलायन ने एक ईगल को गोली मार दी। उसकी इस गलती की वजह से गांव वालों ने उसे और वैलरी दोनों को गांव से बेदखल कर दिया और जोशीना के पिता उसी रात उन दोनों को उनकी मंजिल की ओर ले जाने लगे। पूरे रास्ते उन्होंने अलायन से बात तक नहीं की, पर उस दिन वैलरी ने पहली बार अपने दिल की बात उससे कही। अलायन ने ईगल की मौत के लिए माफी तो मांगी, पर इसका कोई फायदा नहीं हुआ और कुछ देर बाद पुलिस वहां आ पहुंची और अलायन और वैलरी को ग्रीस में गिरफ्तार करके ले जाया गया। जमानत के लिए अलायन ने सिल्वी को वहां बुलाया, जो ये सुनकर खुश नहीं थी कि इतने दिनों से अलायन वैलरी के साथ था। अलायन ने पुलिस को समझाने की कोशिश की कि वो दोनों बस अपनी बेटी की शादी में जाना चाहते हैं, पर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी और तब वैलरी की नज़र पुलिस के कुत्ते पर पड़ी। वैलरी जानवरों की डॉक्टर है और उसे समझ आया कि पुलिस का कुत्ता बीमार है। उसका इलाज करके वो दोनों रिहा होने में कामयाब हुए और इससे पहले कि सुशील की शादी होती, सही वक्त पर वो दोनों अपनी मंजिल पर पहुंच गए। अंत में सुशील का सपना पूरा हुआ और उसके माता पिता की मौजूदगी में उसकी शादी पूरी हुई। उस दिन सुशील को ये भी समझ आया कि जितना वो हमेशा से सोचती थी, उसके माता पिता उतने बुरे नहीं हैं और अपनी गलतियां सुधारने के लिए वैलरी ने सिल्वी से बात करने की कोशिश की। पर जब सिल्वी ने बदतमीजी करके उसे गाली दी तो वैलरी ने वो सब कुछ बता दिया जो उसके और अलायन के बीच हुआ था। उसने सुशील को उसका तोहफा दिया और तब अलायन ने वो गाना गाया जो उसने सुशील के लिए लिखा था। इस बार वैलरी ने उसका मजाक नहीं उड़ाया बल्कि उसके साथ वही गाना गाने लगी और सालों बाद अपने माता पिता को साथ देखकर सुशील रोने लगी। सुशील का टूटा हुआ परिवार फिर से जुड़ गया, पर सारी खुशियों पर पानी फिर गया जब पुलिस वाले वहां आ गए और अलायन और वैलरी को उनके साथ जाना पड़ा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।